एक प्रार्थना और आपका प्यार आपके कदमों में। क्या ऐसा पॉसिबल है? वाकई में ऐसा संभव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रार्थना के बारे में, और मुझे आपका चाहिए सिर्फ दो मिनट मेरे को दो, और 30 डेज आपको डेडिकेशन चाहिए। 30 दिन तक ये आपको करना पड़ेगा। 1440 एक दिन में आपके पास टाइम होता है, मिनट होता है, उनमें से आप सिर्फ 2 मिनट आपको निकालना है। और ये वीडियो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए है। ये वीडियो देखो और ऐसे ही फॉलो करो एज इट इज, जैसा आपको गाइड किया जा रहा है। यकीन मानिए, आपका प्यार किसी भी वजह से आपसे दूर गया हो या ना कर रहा हो, लेकिन वो आएगा आपके ही पास। ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही पावरफुल है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिरकार आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन को चाहिए बस 4 चीज़ें। पहला क्या है? खुला आसमान। ठीक है, पहला आपको चाहिए खुला आसमान। मतलब जो प्रार्थना मैं आपको बताऊंगा, जो प्रिय आपको मैं देने वाला हूँ, वो आपको बंद कमरे में नहीं करना है, ये खुले में करना है, खुले आसमान के नीचे। ठीक है, दूसरा क्या है? एलोन। मतलब आपको अकेले ही ये करना है, किसी को आप साथ में नहीं रख सकते, किसी भी चीज़ को आप साथ में नहीं रख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे चीज़ की। तो तीसरी आपको ज़रूरत पड़ेगी कंसंट्रेशन की, आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत भी पड़ेगी, मतलब अच्छे तरीके से फोकस आपको करना पड़ेगा। और फोर्थ नंबर में है वॉइस। वॉइस का मतलब ये है कि कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं तो मन ही मन में प्रार्थना करते हैं, तो मन ही मन में आपको ये प्रार्थना नहीं करनी है, आपको वॉइस चाहिए। मतलब जैसे आप किसी से बात करते हैं, आपकी आवाज़ निकलती है, उस तरीके से आपको वॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इन चारों की इम्पोर्टेंस का अभी पता लगाएंगे। पहले हम आते हैं प्रार्थना पे। तो ठीक है, तो अपन मूव करते हैं प्रार्थना। ये प्रार्थना है, एक एक वर्ड मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, फिर उसको अच्छे से डिटेल में हम बात करेंगे ये वर्क कैसे करता है। प्रार्थना ये है, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरा प्यार मेरी तरफ आकर्षित करो, आकर्षित करो, आकर्षित करो। मैं इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मदद करो, मेरा प्यार मेरी तरफ आकर्षित करो, प्लीज़ मेरा प्यार मेरी तरफ आकर्षित करो। ये है पूरा पूरा प्रार्थना जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये डेडिकेट प्रार्थना है आपके प्यार के लिए, और आपका प्यार ही नहीं, आपको हर एक वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए आप इसका यूज करेंगे। अब ये प्रार्थना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। अब हम बात करते हैं थोड़ी इसकी इम्पोर्टेंस की। देखिए, यहाँ पे आपको इस यूनिवर्स में कितनी शक्तियाँ हैं, आपको रत्ती भर भी इसका अंदाज़ा नहीं है कि इस यूनिवर्स में कितनी पावर्स हैं। और यहाँ पे आपको इस बात का कोई आइडिया ना होने की वजह से आप अपनी चीज़ों को अपने तक ही सीमित रखते हो, या कुछ लोगों से ही आप अपना काम निकालना जानते हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए, देखिए अभी आप जहाँ कहीं भी हो, आप इस वीडियो को सो कर देख रहे हो, टहलते हुए देख रहे हो, ड्राइव करते हुए देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, यकीन मानिए आप जहाँ कहीं भी हो, आपके इर्द गिर्द इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी पावर्स हैं, अनगिनत अनलिमिटेड पावर्स हैं, जिनका आपको रत्ती भर भी एहसास नहीं है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि क्या इस प्रार्थना से वाकई में किसी को लाभ हुआ है? तो मैं किसी की बात नहीं करूँगा, खुद की बात करूँगा। मैं जीता जागता खुद का एग्जांपल हूँ, और शायद आपको मेरी बातों पे ट्रस्ट होगा, जिसे अब तक करते आए हैं अभी भी करिए। मैंने इसका इस्तेमाल किया है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है, अपने प्यार में भी, अपने करियर में भी, हर जगह मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और मुझे इतना बेहतर रिजल्ट मिला है कि आपको कोई प्रार्थना इतना बेहतर रिजल्ट नहीं देता है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ मेरी मदद करो, यानी कि इस ब्रह्मांड से हट के भी कुछ ब्रह्मांड हो सकते हैं, तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देखिए ये बोली गई है कि मैं भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और देखिए, मैंने आपको एक बात यहाँ पे बोली थी कि आपको वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको ये बात करना है इस यूनिवर्स की सारी शक्तियों से, आपके आसपास इर्द गिर्द जो भी अनलिमिटेड सुप्रीम पावर्स हैं, उनसे आप बात करोगे, डायरेक्टली उनसे बात करना है आपको। और ये कैसे करना है कि आप रात में किसी खुले स्थान पर चले जाएं, खुले आसमान में। रात का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मंत्र पढ़ना है, रात के 12 बजे जाना है, अमावस्या देखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप रात में 6-7 बजे जो है किसी खुले स्थान पे चले जाएं, जो भी एक प्यारा सा स्थान हो, हो सकता है कि वो पार्किंग का एरिया हो या फिर कोई एक अच्छी जगह हो या कोई ग्राउंड हो, वहाँ पे आप चले जाइए, जो भी आपको ठीक लगे, वहाँ पे खुले आसमान के नीचे। ठीक है, आपको अकेला होना है, किसी को साथ में नहीं रखना है, कोई डॉगी वगैरह कुछ किसी को साथ में नहीं रखना है, और कंसंट्रेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक बात मैं आपको सीधे बताऊँ, तो ये अगर आप पिक्चर देख पा रहे हैं तो ठीक इसी तरीके से आपको करना है, खुले आसमान के नीचे ऊपर देखते हुए आप इस यूनिवर्स की शक्तियों को इन्वाइट कर रहे हैं अपनी मदद करने के लिए। एक बात याद रखिए कि यहाँ पे इस यूनिवर्स में आपको कर्म करने की आज़ादी मिली हुई है, इसी के कारण आपकी कोई बिना मांगे हेल्प नहीं करता है, तो आपको हेल्प मांगना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। यकीन मानिए, इन शक्तियों ने अगर आपकी हेल्प करना शुरू कर दिया ना, तो इस दुनिया में एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप इनसे करवा ना सको। क्यों ये आपकी हेल्प करेंगी? क्योंकि आप इन्हीं के पार्ट्स हो, हम इन्हीं के हिस्से हैं, तो ये हेल्प करती हैं, बस ज़रूरत ये है इनसे कांटेक्ट करने की, संपर्क साधने की। हम इनके बीच में होते हुए भी अनजान होते हैं, और ये कम्प्लीटली साइंटिफिक वीडियो है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, साइंस नहीं है, ये प्योरली साइंटिफिक वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो इसको फॉलो करें, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया है। बस ध्यान रखें कि इस प्रार्थना को याद कर लें, कहने से पहले, प्रे करने से पहले इसको याद करें, और फिर इसको बोलना है, आपकी वॉइस आपके मुंह से निकलनी चाहिए, अपने आप को सुनाई देना चाहिए। मतलब जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, और आपको अगर रोना आता है तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि जब हम रोते हैं तो अच्छी छाप छोड़ते हैं और लोगों से अपनी बात को मनवा सकते हैं। तो आपको अगर रोना आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, तो ये आपकी पूरी हेल्प करेगा। बस 2 मिनट आपको डेली करना है, 2 मिनट लगेंगे, 30 दिन तक आपको फॉलो करना है, टाइमिंग एक ही होनी चाहिए, और अकेलापन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और खुले आसमान के नीचे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लंबा वीडियो हो गया, लेकिन यहाँ पे आधी अधूरी वीडियो नहीं बनाते हम, इसलिए थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। तो बस इतना ही, और रिजल्ट की अगर हम बात करें तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये होगा यू विल गेट योर लव विद इन 30 डेज। आप अपना प्यार वापस पा सकते हो 30 दिनों के अंदर, अगर इसको प्रॉपर कर सकते हो तो, और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, यकीन मानिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में, ये वीडियो हर एक उस इंसान तक शेयर करिए जो तकलीफ़ में है, जो अपना प्यार वापस पाना चाहता है, शायद आपके एक क्लिक से उसका प्यार उसको मिल जाए, क्योंकि प्यार खोने का दर्द क्या होता है ये आप अच्छी तरीके से समझते हो। तो बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको लिखना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिए, उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा loveintercity@cm4, वहाँ पे loveintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।